वेलकम माय टू फैमिली, मैं हूं रजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एलके और मस्ती। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास है। कुछ खास चीज है जो इस वीडियो में दिखाना चाह रहे थे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही खास चीज मैं दिखाने वाला हूं। हमारे लखनऊ में एक ऐसी वीडियो जो कि एक इंसानियत भरी है, जो कि आपको देख करके दिल खुश हो जाएगा कि हाँ, वाकई में ये इंसानियत वाला ही वीडियो है। इस टाइम पे सारे लोग परेशान हैं, शहर में लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है, हर जगह आदमी अपने घर में है और जगह जगह पर लोग मदद करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। तो अभी एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो आप देखेंगे, और उससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो है आलमबाग पारा में एक साइट चल रही है, इंडिया ग्रीन सिटी जिसका नाम है, और कंपनी का नाम है अर्बन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड। तो उसके जो मालिक हैं जीशान साहब और तौफीक साहब, तो उनका ये वीडियो है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वो अपने आसपास में जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनके पास खाने की दिक्कत अभी हो रही है, राशन नहीं है, तो उनके जगह जगह पे वो पहुंचा रहे हैं। तो उनका नंबर भी दिया गया है, मैं आपको दे दूंगा। अगर आप लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। अभी तक तो मैंने किसी वीडियो पे नहीं कहा, लेकिन अब कहता हूं कि इस वीडियो को लखनऊ के अगर आप हैं तो लखनऊ में ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे और उस पर शेयर करें ताकि लोगों तक मदद पहुंच सके। तो आइए दिखाते हैं उस वीडियो को हम आपको, और वीडियो देखें, और उसमें नंबर भी दिया गया है। तो अगर किसी को भी जरूरत होती है खाने की, राशन की, तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकता है। तो आइए वीडियो को देखते हैं। हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? मैं शायद आप पहचान सकते होंगे, मैं इंडिया ग्रीन सिटी से, जो कि हमारी डेवलप बाय अर्बन इंफ्राटेक प्राइवेट कंपनी है, और हम लोगों ने छोटा सा एक कार्य आज से चालू किया है, जो कि हमारे तमाम परेशान भाई लोग हैं जिनको राशन की बहुत अत्यंत ज़रूरत है, इनके लिए हमने ये कार्य चालू किया है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई लोग, ये कोई भी, मैंने ये वीडियो ऐड के लिए नहीं डाला है, ये केवल एक दिखाने के लिए है जिसको ज़रूरत है। हमारे तमाम भी मजदूर भाई ऐसे हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, खाने पीने की बहुत ज़्यादा अच्छी ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ने छोटा सा काम किया है। और आशा करते हैं आप सब भी यही कार्य करें, जिससे जो भी हो सके वो अपना पड़ोसियों को, अपने साथियों को जुटाएं और अपने जो भी इसको ज़रूरत है उसको आप पहुंचा सकते हैं। आज हम लोगों ने एक ये अपना राशन का काम किया, जो कि आटा है, दाल है, सब्जी है, चावल, तेल, और आप शायद देख भी सकते होंगे हमने करीब आज 700 पैकेट बनाए हुए हैं, जो कि हमारे बहुत से मजदूर और परेशान भाई लोग हैं उनके लिए, आप शायद देख रहे होंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऐड मैंने केवल इसलिए बनाया है, जो हमारे परेशान मजदूर भाई हैं जिनको अत्यंत ज़रूरत है राशन की, उनके लिए बनाया जा रहा, ना कि मैं ये कोई ऐड अपने प्रचार के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये छोटा सा कार्य हमारी कंपनी की तरफ से है, और मैं आपको शायद पहचान नहीं, मैं वही दीसान हूँ जो कि आप लोग मेरा वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर, और जिससे भी जो हो सके आप सब लोग के लिए मैं आशा करता हूँ, और सब लोग दुआ करिए कि ये जो आजकल छाया हुआ है जैसे कि कोरोना वायरस, इसलिए आप सब घर में ही खास कर बैठे और उसी दूरी बना कर ही बैठे, और हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सभी लोग सैनिटाइजर से अपना हाथ वगैरह साफ करके, और अपना हम लोग ने एक छोटा सा पास भी बनवाया हुआ अपने थाने से, जो कि गाड़ियों की रोकी ना जाए, इसके लिए हमारा एरिया है आलमबाग पारा, जो कि आप लोग शायद बहुत से लोग जानते होंगे, हमारी साइड भी जानते होंगे। और भाई लोग से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग घर में रहें, दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का अत्यंत ख्याल रखें, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत से लोग हमारे पड़ोस में है, बहुत से लोग हमारे पड़ोसी हैं, मोहल्ले में है, ताकि हमारी बस्ती में है, जो कि कई दिनों से चूल्हा तक नहीं जला है, उनके लिए हम लोग छोटा सा एक काम रख रहे हैं। आप शायद देख सकते होंगे हमारे सारे भाई और हमारी पूरी टीम लगी हुई है राशन पैक करने में, और आज हम लोग ये वितरण करेंगे। कल आशा करते हैं कि जो खाना बना, तहेड़ी का हम लोग ने कार्य रखा हुआ है जो हमारे परेशान लोग हैं, तो कल हम लोग तहेड़ी भोज करेंगे, जगह जगह जाके जिनको ज़रूरत है वहाँ पे पार्सल पहुँचाना है,
तो मैं दुआ करता हूँ कि भाई लोग आप लोग प्लीज ये वीडियो ये इसलिए ना समझिएगा कि ये वीडियो हम लोग अपने प्रचार के लिए कर रहे हैं। मैं ऐसा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वजह से खाली बना रहा हूँ, जिसको जरूरत है भाई आपके पास है तो आप ये पहुँचा सकते होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सबसे कि भाई सीरियसली लें और उचित दूरी बनाए रखें, ताकि इस ये जो कोरोना वायरस की जंग चल रही है इससे हम और आप सब लोग जीत हासिल करें। भाई अपना मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि जिसको भी जो भी जरूरत है वो आप पड़ोसी हो या बस्ती में हो आप उसको किसी भी तरह से बनाए। और ये लॉकडाउन हमारा चल रहा है माननीय मोदी जी की तरफ से, ये भी बहुत अच्छा है जो कि कीप डिस्टेंस जैसे कहते हैं वो अपना सही है, दूरी बहुत जरूरी है। और सभी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सब लोग दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का अत्यंत ख्याल रखें। मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, आशा करता हूँ जिसको भी ज़रूरत है और जो लोग हमारी बस्ती में या हमारे फॉलोअर देखने वाले हैं वो सब लोग हमारे थोड़ी सी हिम्मत करें, थोड़ी थोड़ी हिम्मत करें और जिनसे जो हो सकता है गरीब भाइयों को अपना पहुंचा दें। मैं उम्मीद करता हूं भाई ये हमारे कोच के हाँ ये हमारे मैं रोकते हुए थोड़ा कुछ कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहता हूं, जो इस नंबर पर फ़ोन करके ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 8004076 7899 77 3 5 7 9 5 6 2 5 7 8 6। और आप हमें कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको बेसिक नीड्स है फूड से रिलेटेड आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और लोगों को इतला कर सकते हैं कि कुछ राहत सामग्री जो यहाँ पे है वो यहाँ से ले सकते हैं या हम उनके पास भी पहुँचाने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। और मैं आप सबसे अपील करता हूँ आप सभी लोग घर में रहें और वक्त वक्त पर आप अपना साफ सफाई रखें, सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ये आप शायद देख रहे होंगे हमारी पूरी टीम लगी हुई है और आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि आप ये दुआ करें कि भाई जिसको जो भी ज़रूरत है वो सही हो जाए और इस जंग से हमको सबको जीतना है, इस वजह से दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का अत्यंत ख्याल रखें। मैं अपनी हमारी बस्ती में कुछ जिनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है राशन की और भुखमरी का शिकार हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहीं से अपना कार्य चालू कर रहे हैं, आप शायद देख रहे होंगे। और आशा करता है कि जिसके पास भी जो भी है ज़रूरतमंद को आप पहुँचाएँ। ये अभी अभी लाना पड़ेगा हम लोग भूल गए हो तुमको लेना ले लो तो। दोस्तों वीडियो आपने देखी, कैसी लगी वीडियो आपको मुझे बताइएगा और इसी तरीके की चीज़ें हमारे चैनल पर अभी फिलहाल आती रहेंगी। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। आज वक्त ये है कि सभी लोगों को मिल करके चलना है और इसी तरीके से लोगों की मदद करनी है, क्योंकि हमारे देश में गरीब लोग जो हैं उनकी खास तौर से मदद करनी है, जिससे जो भी हो पाए, कोई ज़बरदस्ती नहीं कि आप कितनी करें कितनी ना करें, लेकिन जिससे जो भी हो सके वो कर सकता है। तो इस मौके पर यही टाइम है दोस्तों करने का, तो दोस्तों करिए और मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हर 15-20 मिनट में अपने हाथ धोते रहें, बाहर जाएं तो बाहर से आएं तो अपने कपड़े जो है बाहर ही चेंज कर लें, ये सारी चीज़ें जो है एहतियात बरतें बहुत, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है हर जगह। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।